एक दूसरे के कट्टर दुश्मन इजराइल और ईरान अब एक दूसरे को तबाह करने की कस्में खा रहे हैं। ये सब हुआ है सीरिया की राजधानी में कथित इजरायली हमले के बाद से। माना जा रहा है कि इस हमले में इजराइल ने ईरान को एक गहरा जख्म दिया है। इजराइल के खिलाफ अब ईरान के बदले की आग धधकती जा रही है। कथित इजरायली हमले में दो टॉप सैन्य कमांडरों की मौत के बाद से इजराइल गुस्से में है। ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली है। ऐसा अंदेशा है कि ईरान जल्द ही इजराइल पर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर सकता है। हालात ऐसे बने हैं कि किसी भी वक्त ईरान के साथ इजराइल की जंग शुरू हो सकती है। ऐसे में सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इसके बाद इजराइल में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS को बंद कर दिया गया है, जिससे कि मिसाइल या ड्रोन इजराइल के टारगेट्स को लोकेट न कर पाए। रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया गया है। तनाव की स्थिति का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि ईरान के संभावित हमले से बचने के लिए इजराइल तेल अविव में फिर से शेल्टर्स खोल रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है, जिसके मुताबिक पिछले 12 सालों में ईरान में बनी सभी मिसाइलें GPS समेत किसी भी इंटरनेशनल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। ईरानी समाचार एजेंसी फोर्स ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एरोस्पेस बलों के एक सोर्स का हवाला देते हुए इसकी जानकारी दी है। यानी साफ है कि ईरानी मिसाइलें बिना GPS के भी इसराइल के किसी भी कोने पर हमला बोल सकती हैं। इसराइल के GPS ब्लॉक करने की रणनीति भी गुस्साए ईरान के मंसूबों को रोक नहीं सकती है। ऐसे में इसराइल की चिंता और भी बढ़ सकती है। बता दें कि खतरनाक हथियारों के जखीरे पर बैठे ईरान के पास वाकई तबाही मचाने वाले कई हथियार हैं। ये ईरानी हथियार लाल सागर को पार कर इसराइल पर हमला करने का मादा रखते हैं। ईरानी समाचार एजेंसी ISNA ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अगर इसराइल और ईरान में जंग छिड़ती है तो ईरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ कर सकता है। माना जाता है कि ईरान ये कदम उठाने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इजरायली सरजमी पर हमला करने के लिए पर्याप्त दूरी वाली 9 प्रकार की मिसाइलें हैं। न्यूज एजेंसी ने कई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलासा किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की मदद से हमले की योजना बना रहा है। अब आपको एक एक ईरान की उन 9 खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताते हैं, जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि तमतमाए ईरान के एक फैसले से ये मिसाइलें सीधे इसराइल में तबाही ला सकती हैं। सेजिल मिसाइल, ये 2000 से 2500 किलोमीटर दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम स्पीड 12 से 14 मैक है। खुर्रम शहर 4 उर्फ खैबर मिसाइल, जो कि मैक 5 की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। EMAD मिसाइल 2 से 7 मैक की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। शहाब 3 मिसाइल मैक 7 की स्पीड से 2000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। कादर मिसाइल मैक 9 की रफ्तार और 1950 किलोमीटर तक लक्ष्य पर निशाना लगाने का मादा रखती है। वहीं पावे मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1650 किलोमीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है। खैबर शिकन मिसाइल 50 किलोमीटर तक दुश्मन को भेदने में सक्षम है। दावा है कि ये मिसाइल 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती है। फतेह 2 मिसाइल मैक 5 की रफ्तार और 1400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना लगाने में सक्षम है। हाज कासिम मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल 1400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है। ऐसे में अगर दोनों मुल्कों में सीधी जंग छिड़ती है तो इसका खामियाजा पूरे मिडिल ईस्ट को भुगतना पड़ सकता है, जो पहले से ही संघर्ष से जूझ रहा है।